विदिशा में 18 प्लस युवाओं के कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का स्थान हुआ परिवर्तित। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा एक विज्ञप्ति के माध्यम से 18 प्लस के सभी नौजवानों को सूचित किया गया है कि आज दिनांक 9 मई 2021 से अब तक सिटी हॉस्पिटल में विदिशा में कोरोना वैक्सीनेशन का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा था, जिसका स्थान आज से परिवर्तन कर दिया गया है। सोमवार से शासकीय हाईस्कूल माधवगंज क्रमांक नीमताल में टीकाकरण किया जाएगा। बताया गया है कि जिनके 10, 12, 13 और 15 मई के SMS प्राप्त हुए हैं, वे नौजवान साथी नए स्थान पर जाकर टीका लगवाएं और 45 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिकों को सिटी हॉस्पिटल में ही टीका लगाया जाएगा। शनिवार को जिला मीडिया स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी का बेटा और बेटी शिवांगी दांगी और आयुष दांगी ने भी टीका लगवाया और सभी से आग्रह है कि 18 प्लस के जितने भी नागरिक हैं वे सभी टीका लगवाएं। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता विदिशा से तोरण सिंह शिल्पकार की रिपोर्ट। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे वैक्सीन लग गई है और ये पूरी तरह से सेफ है और यही एक समाधान है COVID-19 से बचने का फिलहाल। और मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगी, सब लोग जाकर टीकाकरण करवाएं और जो भी इसके नियमित प्रोसीजर है गवर्नमेंट की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाइए अपना और मैसेज आने पर ही अस्पताल जाइए। और ये पूरी तरह से सेफ है, इसको ज़रूर लगवाएं और मास्क पहने अपना और बाकी नियमों का पालन करें। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे पहले आपकी तस्वीर पर टीका लगे जाकर टीकाकरण करवाइए और मास्क कफन से छोटा होता है तो इसको ज़रूर पहनिए। वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क को पहनना ज़रूरी है, वैक्सीन लगने के बाद भी आपको सारे प्रोसीजर फॉलो करने रहें।